नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, साथ ही कैसी रहेगी तापमान की चाल। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दो दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश या बर्फबारी, तो कल ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। आज पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले, झारखंड में भी आज गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। और अगले दो दिन बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जी हाँ, मौसम में क्या कुछ खास रहेगा ये आपको बता देते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो दो दिन यहाँ पर कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ओडिशा की अगर बात करें तो कल कुछ जगहों पर यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। आज पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ सकते हैं। झारखंड की अगर बात करें तो आज गरज के साथ यहां पर ओले पड़ने के आसार, साथ ही कल बादल गरज सकते हैं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दो दिन बिहार समेत पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ओडिशा में भी दो दिन गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दो दिन असम और मेघालय में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर बात करें तो कल यहां भी तेज हवाओं की संभावना है। अगले दो दिनों में पंजाब और हरियाणा में 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। और आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात करें तो कुछ जगहों पर यहां पर बारिश दर्ज की गई, साथ ही इन दोनों राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह तेज हवाएं भी चली। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बादल बरसे। पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कुछ जगह यहां भी तेज हवाएं दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़े। और आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले अगर बात की जाए अधिकतम तापमान की, आपको बता दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं तापमान की यही स्थिति नजर आई। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तापमान की यही स्थिति नजर आई। सौराष्ट्र और कच्छ समेत विदर्भ की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। सबसे अधिक तापमान केरल के कन्नूर में दर्ज किया गया, यहां तापमान रहा 37.2 डिग्री सेल्सियस। बात न्यूनतम तापमान की करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री में इसमें इजाफा यहां दर्ज किया गया है, जबकि हरियाणा और दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमाली, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं ओडिशा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।
तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा और देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 9 डिग्री सेल्सियस। और आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, साथ ही अगले 2 दिन कहां कहां पर मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की संभावना है। पूर्वी भारत के गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आज कुछ जगह तो कल कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में 2 दिन कई जगह बादल बरसने की उम्मीद है, जबकि बिहार में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो असम और मेघालय समेत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बरसात हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें तो आज पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन बरसात की संभावना नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज कई जगह तो कल कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं विदर्भ में आज कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश के आसार नहीं है। हालांकि आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके अलावा 2 दिन केरल और आंतरिक कर्नाटक में, इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में भी बरसात के आसार नहीं है। तो जाना आपने बारिश और तापमान का भी हाल, और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें कहां कहां पर बारिश का अनुमान और कहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में जो हमारी फसलें खेतों में लगी हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं या जब बारिश की संभावना रहती है ऐसे में आपको नई फसल की बुआई या रोपाई करनी है या नहीं, कुछ ऐसी ही खास जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के किसान सरसों की कटाई का काम कर लें, साथ ही यहां के किसान मटर की बुआई कर लें। उत्तराखंड में ही पत्ता गोभी की रोपाई का काम भी पूरा कर लें। यहां के किसान पक चुके आलू की खुदाई कर लें। अभी के समय गेहूं की फसल में सिंचाई न करें, साथ ही साथ गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार के रसायन और कीटनाशकों के छिड़काव न करें। वहीं पंजाब के किसान फलों के छोटे पौधों को ठंड से बचाव करें, बचाव के लिए पौधों को पुआल तथा प्लास्टिक शीट से ढक दें। यहाँ के किसान टमाटर बैंगन और मिर्च की नर्सरी को ठंड से सुरक्षा प्रदान करें। अभी के समय यहाँ के किसान सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। बेहतर उपज के लिए यहाँ के किसान सूरजमुखी के सकर PSH 569 किस्म का चुनाव करें। पंजाब के किसान गेहूं फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अगर गेहूं की फसल में मैग्नीज की कमी के कारण पत्तियों का पीलापन दिखाई देने पर मैग्नीज सल्फेट का फसल पर छिड़काव करें। साथ ही पंजाब के किसान अभी के समय लौकी की रोपाई का काम कर लें, वहीं हरियाणा के किसान करेला और लौकी की बुआई कर लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल कर सकते हैं और खासतौर से अब अगर बात की जाए आज की फसल में गेहूं की फसल की। जी हाँ, ये फसल खेतों में लगी हुई है लेकिन अभी का जो समय है इसमें किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे बेहतर उपज मिल पाए आपको, उसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अक्टूबर में बोई गई गेहूं की फसल फरवरी आते आते काफी बढ़वार ले चुकी होती है। समय पर बोई गई फसल में फूल आने शुरू हो गए हैं। फूल आने की दशा में सिंचाई करना बेहद जरूरी है। गांठ बनने के दौरान यानी जिन इलाकों में फसल 60 से 65 दिन की हो गई है वहां इस समय तीसरी सिंचाई कर सकते हैं और चौथी सिंचाई फूल आने से पहले करीब 80 से 85 दिन की फसल होने पर। पांचवी सिंचाई दानों में दूध बनते समय करनी चाहिए। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनकी कमी का सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। खासकर भारतीय मिट्टी में जस्ते की कमी पाई जाती है। इसकी कमी के लक्षण फसल में दिखाई देने पर 0.5% जिंक सल्फेट के घोल का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार करना चाहिए। इसके अलावा लौह तत्व की कमी को दूर करने के लिए 1 से 2% आयरन सल्फेट का छिड़काव लाभकारी होता है। फसल को रोगों और कीटों से बचाने के लिए फसल की लगातार निगरानी करनी चाहिए। गेहूं में आमतौर पर टिलिशिया इंडिका नामक कवक लग जाता है। इससे बचाव के लिए 2.0 किलो मैंगोजेब या 500 मिलीलीटर प्रोपिकोनेजोल को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। वहीं झुलसा रोग होने पर 0.1% प्रोपिकोनेजोल का छिड़काव करें। गेहूं की फसल में रतुआ बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर टेबोकोनेजोल 25EC या ट्राइडिमिफोन 25WP का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़के। रोग के प्रकोप और उसके फैलाव को देखते हुए दूसरा छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें। वहीं माहू का प्रकोप होने पर 1.0 लीटर क्विनोलफॉस 25EC या 1.4 लीटर मोनोक्रोटोफॉस 25EC को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा अगर आप गेहूं की फसल ले रहे हैं, साथ ही मौसम के लिहाज से और कौन कौन सी खास बातें हैं या सावधानी आपको अपनानी होंगी अलग अलग क्षेत्रों के लिए, ये भी आपको बता देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर किसान सरसों की बुआई फिलहाल जारी रखें। उत्तर प्रदेश में ही चना मटर और मसूर की किसान बुआई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान लहसुन की बुआई का काम फिलहाल कर लें। वहीं बिहार में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें।
झारखंड के किसान ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई फिलहाल जारी रखें। साथ ही यहां किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7:00। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर करें सबसे पहले ओडिशा की, तो यहां पर किसान धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के किसान सरसों मूंग और उड़द की कटाई कर सकते हैं। ओडिशा के किसान ग्रीष्मकालीन मक्का और तिल की बुआई फिलहाल कर सकते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल के किसान मूंग की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मक्का की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। साथ ही यहां पर किसान मटर की कटाई का काम भी कर लें। और आइए अब बात करते हैं आम के नए बागों को लेकर। जी हाँ, जो मार्च का महीना है, इसमें अगर किसान सिंचित क्षेत्र अगर उनके हैं तो वहां पर वो आम की बागवानी कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता ने बात की कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों बहनों, आज के मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आम के बागों के बारे में। जी हाँ, क्या ये समय आम के बाग लगाने के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं? अगर है तो किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि ये समय जो है, क्या हमारे किसान आम के नए बाग लगा सकते हैं? देखिए, आम के बाग लगा सकते हैं। मार्च के महीने में हमारे किसान भाई अगर नया बाग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बस उसमें एक ही शर्त है कि उनके पास पानी की सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी काफ़ी पड़नी है और पौधे छोटे होते हैं, कोमल होते हैं, तो उस समय अगर किसी भी प्रकार से गर्मी के महीनों में पानी की कमी होती है तो पौधे के मरने की संभावना रहती है। तो अगर आपके पास उचित पानी का साधन है तो आप मार्च के महीने में लगा सकते हैं। वैसे हमारे उत्तर भारत के लिए सबसे उपयुक्त समय जो आम के बाग लगाने का है वो है बरसात का मौसम। जून के दूसरे पखवाड़े से लेकर के आप अगस्त तक आम के बाग लगा सकते हैं।
बिल्कुल, अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था है तो मार्च के समय लगा सकते हैं, अन्यथा अगर जून से अगस्त के समय लगाएंगे तो वो काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि बरसात का समय है और सिंचाई के लिए आपको पानी काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल, अगर मार्च में लगाने के लिए हमारे किसान तैयार हैं तो कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं? देखिए, जो परंपरागत किस्में हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा, वो तो उनके बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन आजकल नई किस्में आ गई हैं जो नियमित फलन देती हैं और काफी उपज देती हैं और उनका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी काफ़ी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं कहना चाहूँगा मल्लिका जैसे एक किस्म है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा विमोचित की गई है, और इसके साथ साथ आम्रपाली है। ये किस्में काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं, खासकर पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनमें आम्रपाली काफ़ी बड़े स्तर पर उसका प्लांटेशन लगाया गया है। इसी के साथ साथ जो मल्लिका किस्म है वो हमारे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के कुछ भागों में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। अगर हम आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो सहारनपुर क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े बाग हैं जो कि मल्लिका किस्म के हैं, तो ये किस्में काफ़ी अच्छी हैं। और भी नई नवीन किस्में निकली हैं जो कि जिनमें रंगी मतलब लाल रंग की आभा लिए हुए किस्में हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में या निर्यात के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई जाती हैं। तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा लालिमा और पूसा अरुणिमा नाम से संकर किस्में निकली हैं जो कि धीरे धीरे हमारे आम के जो बागवान हैं उनके बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं, और इन किस्मों के जो फल हैं वो इतने आकर्षक हैं और उनमें वो गुणवत्ता है जो कि हमारे, अगर आप विदेशों में अपने आम के फल भेजना चाहते हैं तो निर्यात के लिए जो आवश्यक गुण है वो इन किस्मों में उपलब्ध है। तो बिल्कुल जान लिया आपने, अगर आप आम के नए बाग लगाना चाहते हैं तो मार्च का जो समय है काफ़ी अच्छा रहता है, आप लगा सकते हैं, और साथ ही साथ कौन सी किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं ताकि आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल हो सके, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। हम उम्मीद करते हैं इन सब बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। कैमरा पर्सन हरविंदर सिंह के साथ आदिति शर्मा, दूरदर्शन किसान के लिए। और चलिए अब आपको बता देते हैं अगले दो दिन और क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। सबसे पहले बात अगर की जाए उत्तराखंड की, तो यहाँ पर अगले दो दिन कहीं कहीं हल्की बारिश या फिर बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। ओडिशा की अगर बात करें तो कल यहां पर कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आज पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। झारखंड की अगर बात करें तो यहां भी आज गरज के साथ ओले पड़ सकते हैं, जबकि कल यहां पर बादल गरजने के आसार हैं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं दो दिन बिहार समेत पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ओडिशा में भी दो दिन गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले दो दिन असम और मेघालय में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल तेज हवाओं का अनुमान है। अगले दो दिनों में पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो 2 से 3 डिग्री तक यहां न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इसकी खासियत।